जी आपका नाम? मोहिंदर सिंह मनकोटिया। जी मनकोटिया जी, आप मुझे बताएंगे आप यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? देखो ये स्ट्राइक तो ये काफी सालों से चल रही है, लेकिन साल फिर हमने दोबारा ये शुरू करी हुई है। जितने भी हमारे सीपीएस वर्कर हैं या आईटीआई वाले जो कार्य कर रहे हैं, जो जिनके लैंड केस हैं, उनको सरकार आज तक जो उल्लू बना रही है, किसी को आज तक जो हमारा मेहनताना है, जो हम काम करते हैं, जो हमारी कार्यशाली है, हम लोग परमानेंट लोगों से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि हमें 50 से लेकर 60 महीने हो गए हैं कि सैलरी नहीं मिल रही है। हमारा भी बीवी बच्चे है, परिवार है, समाज है, हर जगह हमें जाना पड़ता है, लेकिन आज तक हमें ये सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन काम हमसे लेते हैं। दूसरी ओर आप ये देख लो कि जो लोग पत्थर मारते हैं सरकार उनको रोजगार देती है, जो लोग गोलियां मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनको हमारी सरकार जो है उनको नौकरियां दे रही है, जॉब दे रही है, और ये सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग भी AK-47 उठाएं और सरकार के खिलाफ युद्ध लड़े, तब जाके ये लोग हमें परमानेंट करेंगे और हमारी सैलरी देंगे। आप मुझे बताएंगे माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे जो नए अभी गवर्नर जी आए हैं और उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचाएं कि जल्द से जल्द हमारी जो बकाया सैलरी है वो दी जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए, अन्यथा हम पूरे परिवार को लेके सड़कों पर उतर जाएंगे। जी मनकोटिया जी, आप मुझे बताएंगे आपको जो इस टाइम जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है? देखिए जो ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, कभी 500 के हिसाब से सैलरी दे देते हैं, कभी कहते हैं कि 4500 आपके खाते में डाल दी है। ये से जो SRO अभी इन्होंने 520 बनाया है उसमें हमें कन्वर्ट नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपकी सैलरी आज से जो डेली रेट है 6500-7000 के करीब जो है आपको मिलेगी, लेकिन आज तक नहीं मिले है। जी आप जो बता रहे हो जैसे आपको 500 रुपया मिलता है, तो 500 से आपका घर कैसे चलता है, आप मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं। तो आप भी खुद समझदार हैं, हमारी जो सरकार है वो भी खुद समझदार है, जो जिन लोगों को हमने चुन के भेजा था उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे हम लोगों को कि जल्द ही आपका मसला हम लोग हल करेंगे। दूसरा ये था जो एक बायोमेट्रिक हमारा सिस्टम होता है, गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डर किया था बाकायदा कि हर एम्प्लॉय का जो है बायोमेट्रिक उनकी जो अटेंडेंस है वो लगेगी, लेकिन हमारी यहाँ बिल्कुल नहीं लगाई गई है। और 500 रुपया तो ये धोखा, आज तक तो हम ये सोशल कार्य ही कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है। जी शुक्रिया।